हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपके मोबाइल का इंटरनेट स्पीड को कैसे बढ़ाए। तो यहाँ पर दो वजह से आपका इंटरनेट स्पीड कम हो सकता है। पहली वजह यह है कि आपका जो इंटरनेट है, यहाँ पर आप हो वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन लो होने की वजह से आपके मोबाइल में इंटरनेट लो हो सकता है या फिर धीमे धीमे आ सकता है। तो यहाँ पर एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि आप जिस जगह पर है वहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन बहुत अच्छा है, फिर भी आपके मोबाइल में यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अगर पहले की सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पर आए हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर दूसरे सोल्यूशन के लिए आओ, अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा है और आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 7 स्टेप हम लोग यहाँ पर बताएंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर आपका नेट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो चलिए चलते हैं स्टेप की तरफ। पहले स्टेप की बात की जाए तो यहाँ पर आपके मोबाइल को रिस्टार्ट करना होगा। अगर आपका मोबाइल में कोई भी सेटिंग में हेरा फेरी हो गई या फिर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर करनी है कि आपका मोबाइल रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने की वजह से आपका मोबाइल रिफ्रेश होगा, उसकी वजह से आपके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड आ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। तो दूसरे स्टेप आपको ये करना है कि आपका जो मोबाइल में सिम कार्ड है उसे एक बार आपको निकालना है, फिर से डालना है। क्योंकि अगर आपके मोबाइल से आपका जो हाथ से मोबाइल गिरा होगा तो यहाँ पर आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर सिम कार्ड अंदर से हिला होगा तो यहाँ पर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार ये भी ज़रूर करके देखिए कि अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड की कमी आ रही है तो यहाँ पर आपको अपने जो सिम कार्ड है उसे निकाल कर फिर से डालना होगा। ये तीसरी स्टेप आपको ज़रूर करनी है। अगर मेरे भी फ़ोन में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं भी ये सेटिंग ज़रूर करता हूँ। आपको अपने एयरफोन को यहाँ पर ऑन ऑफ़ करना है, उसकी वजह से आपका जो इंटरनेट हो वो रिफ़्रेश होगा। उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकली तो वहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगी। तो ये आपको ज़रूर करना है। ये सब करने के बाद भी अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड की कमी आ रही है तो यहाँ पर आपको अपने जो इंटरनेट स्पीड है उसे चेक करना होगा। वहाँ पर आपको अपने सेटिंग में जाना होगा इंटरनेट के। वहाँ पर जाकर आपको 2G 3G 4G दिखाई देगा। वहाँ पर अगर आपका 2G या 3G है तो वहाँ पर आपको 4G करके रखना है। उसकी वजह से आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़ने लगेगा। अगर वहाँ पर आपका अगर कहीं भी 2G या 3G होगा तो आपके इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी तकलीफ आ सके। तो यहाँ पर आपको 4G करके रखना है। उसकी वजह से आपका जो इंटरनेट है वो बढ़िया चलने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको टर्न ऑन डाटा रोमिंग ऑन करके रखना है। अगर आप जहाँ से मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हो तो वहाँ पर आपको अपने डाटा को रोमिंग पे डालना होगा। रोमिंग पे डालने से आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग भी करके देखनी है। पर आप अगर कहीं दूसरी स्टेट में गए हो तभी आपको ये सेटिंग करनी है, वरना आपका जो इंटरनेट है वो ज़्यादा मात्रा में ख़त्म होने लगेगा। तो इसकी बात का आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका इंटरनेट स्पीड नहीं चल रहा है तो आपके नेटवर्क को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसे रिस्टार्ट करने के लिए इस स्टेप को फॉलो कीजिए। अगर इन सब से भी आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतरीन नहीं चल रहा है तो यहाँ पर आपको एक और पर्याय करके देखना है। आप जिस भी वोडाफोन आइडिया जो भी आपका सिम कार्ड है उसको हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बेहतरीन हो जाएगा गारंटली फुली। अगर आप का ये सब स्टेप करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो आपको ये स्टेप ज़रूर करना है। इसके बाद आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो बूम की तरह चलेगा। तो यहाँ पर आपको
ये स्टेप करके देखने हैं। अगर आपको ये स्टेप अच्छे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इससे कोई हेल्पफुल बात पता चली तो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।